आज रिश्ते बिल्कुल ऐसे ही खोखले, बिल्कुल खोखले से, और दोनों ही ओर से खोखले हैं। मैं किसी एक तरफ की बात नहीं करती, दोनों ही ओर से खोखले होते चले जा रहे हैं। कहते ना ताली एक हाथ से कभी बजती नहीं, दोनों हाथ से तालियां बजती। हर रिश्ते में खोखलापन आ गया है। कोई भी रिश्ता हो, पति पत्नी का, बहन भाई का, भाई भाई का, माता पिता और संतानों का, गुरु और शिष्य का, भगवान और भक्त का भी। बिल्कुल, भगवान कहते जब तू मेरे लायक नहीं तो फिर मुझे भी कोई मतलब नहीं। हर रिश्ते में संदेह और शंकाएं हैं, और जिन रिश्तों में संदेह और शंकाएं हैं वो रिश्ते समझ लेना बिल्कुल ऐसे ही खोखले खड़े हुए हैं। थोड़ा सा हवा का झोंका आया कि वो धड़ाम से गिरने वाले। इसलिए मैं कहती हूँ माताओं से, कहती हूँ रोते क्यों हो, जो चला गया उसको जाने दीजिए, वो तुम्हारा था ही नहीं, वो तो होने का नाटक कर रहा था बस। वो तो ढूंढ ही रहा था कि कोई मौका मिले और मैं भागूं, और जो भाग गया ना, वो जो चला गया उसके लिए सोचते नहीं है और उसके लिए जीवन बर्बाद भी नहीं करते हैं। जो आज है वो तुम्हारा अपना है, जो हर सुख दुख में साथ खड़ा है वो तुम्हारा अपना है, जो हर समय तुम्हारा बन के खड़ा है वो तुम्हारा अपना है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हर आंसू आंख में लाया मत करो, और हर दिल की बात हर किसी को बताया मत करो, क्योंकि लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, इसलिए सबको अपने जख्म दिखाया मत करो, सबको अपनी पीड़ा मत सुनाओ। सब तुम्हारी पीड़ाओं के अधिकारी नहीं है। अपनी खुशियों में तुम हजार लोगों को शामिल कर लेना, लेकिन अपने दुखों का अधिकारी सबको मत बनाना। सब नहीं समझते। तुम जब कमजोर होते हो ना तो दूरियां बना लेते हैं लोग, और तुम जब थोड़ा कुछ धन बल प्राप्त कर लेते हो तो दूर का रिश्तेदार भी नजदीक का रिश्तेदार अपना सगा बन जाता है कि मैं बिल्कुल सखा हूँ, बस मेरा बिल्कुल मित्र ही है ये। और जब गरीबी हो, जब अभाव हो, जब कष्ट हो, तो सगा भाई भी मुंह फेर लेता है, कहता है मैं जानता तक नहीं कौन है। ये है इस दुनिया की सच्चाई। इसलिए यथार्थ को जानो, रिश्तों के प्रति जो कर्तव्य है उनको पूर्ण ईमानदारी से निभाइए, और अपने जीवन के प्रति जो कर्तव्य है उसको भी पूरी तरह निभाइए। सबसे गहरा और बड़ा इस दुनिया का प्रश्न यदि कोई है तो वो ये है कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। मैं कौन हूँ ये प्रश्न आखिरी श्वास तक नहीं सुलझ पाया, सदियों से नहीं सुलझ पाया, और बिना जाने ही इस उत्तर को व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है। यही मानता रहता है कि मैं ये शरीर ही हूँ। जो जो आपके नाम है उन नामों का परिचय दे देते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन ये नाम जब रखा गया उससे पहले भी तो कुछ थे। ये नाम नहीं रहता उसके बाद भी तो तुम कुछ रहते हो। ये शरीर नहीं था इससे पहले भी कुछ थे, ये शरीर नहीं रहेगा उसके बाद भी कुछ रहोगे। तो तुम्हारा असली परिचय वही है जिसको जीवात्मा, दिव्यात्मा, परम आत्मा कहते हैं, जो परमात्मा से प्रकट है, ईश्वर अंश, जीव, अविनाशी। इसलिए थोड़े थोड़े दुखों में दुखी मत हुआ करे, किसी व्यक्ति की वजह से दुखी ना हुआ करे। तुम अपने आप में पूर्ण हो, परमात्मा के अंश हो, भगवती की संतान हो, छोटी छोटी समस्याओं में दुखी ना हो। अपने आप को जानो, आत्मा तत्व